बीना करते थे और टोकरी 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 बीना करते थे जंगल से और लकड़ी लाए थे। जंगल से लकड़ी इनकी लाते उम्र थे। बता 7-8 मतलब 10 साल 11 साल का रही तब इनके पिताजी मर गए। लेकिन हम हिम्मत नहीं छोड़न, इनके मैं पढ़ाई दादा होशियार संगीता रही। ये खाना पावे तो खाए के जाए, ना पावे खाना तो स्कूल जा लो, सब मदद की हो आयो, ना आ पाओ तो नमस्ते हुआ से जो भी नमस्ते मैं हुआ। एक अक्षर पढ़ी हूँ या कुछ भी हूँ, मैं नाना के वजह से हूँ। नाना हमारे आप सबको बता देती। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। नमस्ते कर लो सब लोग। नमस्ते नमस्ते। तो चल रहे हैं घर पे। तो दोस्तों आप सब कल वाले वीडियो में बहुत शिकायत किए हैं। हो सकता है एक दिन बाद मैं वीडियो डालूं, एक वीडियो बना के रखी हूं। और नाना देखिए, हम एक दिन पहले चले आए थे नाना के घर से और नाना आ गए हैं। और देखिए नाना हमारे लिए इतना सारा सामान लेकर आए हैं। होली जो होली आ रहा है उसी का ये त्योहार बोला जाता है हम सबके यहाँ। तो नाना त्योहार लेकर आए हैं और आप सब डांट लगाते थे। और कई हमारी दीदी मतलब बोली थी कि संगीता आपके भाई हैं जो, उनको नाना का मदद करना चाहिए। तो बता दो नाना, भाई क्या करती हैं इस समय? भाई इस समय परदेश में है, उनके भाई के इनके शादी बड़े जने के खनी है। आप लोग थोड़ा सा मदद कियो कि हमारो शादी हो जाए, मेरे नाती के पार हो जाए शादी विवाह भैया। हाँ तो नाना आप सबसे बोल रहे हैं मदद कीजिएगा, पार हो जाए। हाँ, तो नाना थोड़ा मदद करिए भैया। और नाना देखिए इस उम्र में भी काम बहुत करते हैं। नाना से मैं बोलती हूँ कि नाना इतना मेहनत मत करो, तो बोलते हैं अगर हम करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। और आप सब ये भी बोलते हो संगीता आपको तो कुछ करना चाहिए। दोस्त हैं जो है थोड़ा बहुत मैं अपना की हूँ, नाना को भी अच्छा लगा। नाना बोलते हैं अपना काम निपटाओ और हमें भी बेटियों का धन नहीं चाहिए, हम नहीं खाते, ऐसा नाना का कहना है। नाना को अच्छा लगा नाना ये सब हमारा ठीक हाँ, हुआ हाँ, हाँ, हाँ। अब नाना हमारे घर आना बंद कर दिए नहीं, एक महीने में 2 बार आया करते थे। इसी तरह गठली देखिए आज भी लाद कर लेकर आए हैं नाना। थोड़े दूर के साधन से आते हैं और हमारे घर आना होता 1.5 किलोमीटर, ये लाद कर पैदल आते हैं। तो उस दिन मैं मेले में गई थी तो मैं बताई थी कि नाना इतना मेहनत करते हैं। और ये देखिए एक धूप में बैठे हैं। तो कई दीदी बोली संगीता छाता लेकर दे देना चाहिए। वो गांव में मेला लगा था दोस्तों, कोई वो बाजार वहां नहीं था है ना। और हमें पता भी नहीं था कि मेले में इतना तेज धूप होगा। जो वहां के नजदीक के दुकानदार थे सब ले गए थे, नाना नहीं ले गए थे। तो घर पे शायद नाना के पास छाता है कि नहीं? नहीं, नहीं नहीं है। तो नाना को छाता दिलवा देंगे दोस्तों, आप सब शिकायत किए थे। और जितना हो सकता है मैं कहती हूँ दौड़ भाग पूछिए नाना से। मैं हर बार अपने बच्चों को छोड़कर अगर मैं पैसे से मदद नहीं करती हूँ, लेकिन दौड़ भाग जहाँ भी करना होता है पूरा करती हूँ। ये बात सत्य है कि गलत है नाना? सत्य है। और देखिए मम्मी उस बीच में बीमार ही, मैं खुद का पैसा नहीं लगाती हूँ, रहता ही नहीं सबका, लेकिन थोड़ा सा हमारा सपोर्ट रहता है। और मैं कहाँ से लगाऊँ दोस्तों? ये देखिए हमारा नाना का थोड़ा सा तो घर बना ही था और हमारा किस हालत में कैसा था, तो मैं भी अपना घर संवारने सजाने में लगी थी दोस्तों। और आगे आप सबका सपोर्ट रहेगा तो सबका करेंगे मदद, जो हमारे रिश्ते में है सबका, ऐसा बात नहीं है। और अभी तो मैं अपने काम में लगी थी दोस्तों। और भाई का पैर टूटा था, आप सब देखे थे छोटे वाले भाई का, नाना उसमें 70-80 हजार रुपये लगा चुके हैं पैर में, ऑपरेशन लॉकडाउन में कुछ दवाइयाँ सब बेच दिए हैं। कुछ हमारे संजय भैया भी मदद किए थे भैया के दवा में, तो मतलब बहुत सब समर्थन करके भैया का दवा किसी तरह करवाया। बड़ा वाला भैया अभी दूसरा चक्कर एक बार जम्मू गया था फिर गया है। और जिस भैया का पैर टूटा है दोस्तों, उसके पैर से अभी सरिया भी नहीं निकलवाया, कुछ सरिया होता प्लास्टिक का है ना दादा? हाँ, पड़ा है। अभी पड़ा है, वो सही से चल भी नहीं सकता है, लेकिन जम्मू में गया है काम करने के लिए कि शादी के वजह से मजबूरी में। तो ये सब बताना कोई जरूरी नहीं होता दोस्तों, लेकिन थोड़ा अपनों का दुख सुख आपके साथ मैं शुरुआत से बांटती चली आई हूँ तो हल्का हो जाता है। नाना आप सबसे कुछ बोले हैं तो
देखिए दोस्तों, इसमें हमारा कोई कसूर है नहीं, नाना बोले हैं। तो आप सब अगर किसी भाई बहन को अच्छा ना लगे तो माफ करना, और जिस भाई बहन को अच्छा लगा होगा तो नाना का समर्थन जरूर करना, हमारा कभी नहीं करना। हो बच्चे, भैया बच्ची सब मदद की हो, हमारे बच्चे के नाती के शादी में थोड़ा थोड़ा मदद की हो, ना कुछ दे पाओ तो कम से कम दुआ सलाम लिख लियो बच्चे, हमारा कहना तो यही है बच्चे। हाँ तो दोस्तों यही बात है, आज नाना का मन का बात जो था कहना वो कह दिए, बोले ना हम बोलेंगे थोड़ा, तो मैं भी सोची बोल दूं। आप आज तक दोस्तों आप देखे होंगे, मैं कभी अपनी यूट्यूब चैनल के जरिए ऐसा रिक्वेस्ट, ऐसा बात मेरे मुंह से ना सुने होंगे, और ना मैं किसी आसपास का कोई दुख में रहता है दोस्तों, देख लेते हैं हमारा जो जितना बन पड़ता है उनको दे देते हैं, लेकिन मैं आप सबके सामने कभी नहीं बोली कि हमें दीजिएगा, क्योंकि हम आप सबसे क्या मांगे, आप सब बिन मांगे हमें इतना सारा दिए हैं तो हम मांग कर क्या करेंगे। और आप सबके वजह से मिलता चला आया है, और मैं जहाँ थी आप सबके वजह से कहाँ पहुँच गई हूँ यह आप सब देख रहे हैं, कोई छिपाने की बात नहीं है, कोई उसको झुठलाने की बात नहीं है, तो आप सबके वजह से हमें जो मिल रहा है मिला है, और आप सबका साथ और माता रानी का साथ है, इसी तरह आप सब देते रहिएगा, और गलती होगा तो माफ़ करना दोस्तों, जो मैं बोलना चाहती थी बोल दी हूँ। तो वीडियो मैं सोची नाना आए हैं तो बना दूँ थोड़ा, अब कहती हूँ नाना तो कहते हो आप सब देखभाल नहीं करती संगीता, जब अब तुम नहीं करती तो कौन दूसरा आएगा करने, तो ये बात तो सही है, नाना को बोलती तो हूँ हमारे घर पे रहें नाना एक दिन नहीं रहते हमारे घर पे, पता अरे नहीं बिटिया के खाब पानी पिए ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी वक्त समय आ जाते तो खा ही पिए पड़ता है। हाँ तो यही सब बात है दोस्तों, नाना अपने काम में बिजी रहते हैं, और भैया का क्या, अभी उनका उम्र आप सब देखे होंगे दोस्तों ज्यादा तो है नहीं, अभी अपना पढ़ाई भी बीच में रोक दिए, आठवीं क्लास तक पढ़े हैं भैया, अभी दो महीने मतलब ये दो साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, वो भी काम के तलाश में लगे रहते हैं, और घर पे रहते हैं तो कहीं आसपास काम लग जाता है वहाँ कर लेते हैं, या कहीं दूर चले जाते हैं करने, या शहर चले जाते हैं, तो वो भी अपना घर चलाने के लिए, लेकिन वही बात है ना दोस्तों मजदूरी करना यही है। तो भैया सब अब बाहर निकल गए हैं, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, और कुछ ना कुछ जरूर परिस्थिति स्थिति ठीक होगा। और हमारी कई बहनें बोली थी कि नाना का मम्मी का चैनल बनवा दो, तो उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है कि टाइटल डाल दे, और भैया और बड़ा वाला भैया थोड़ा वो लिख लेता पढ़ लेता, लेकिन मेरा इतना जानकार वो भी नहीं है, या कि जो है दुल्हन आएगी हो सकेगा उसका मन करेगा तो करेगी, तो आप सब सपोर्ट देना, और अभी से मैं क्या बोलूँ पता नहीं उनका मन लगेगा इस काम में कि नहीं लगेगा। तो यूट्यूब पर आना बहुत आसान बात नहीं है दोस्तों, यहाँ यूट्यूब पर बहुत खुशी भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, जनता का सपोर्ट भी मिलता है, और चार बात यहाँ देखे होंगे कितना धमकिया कितना बात कितना, यहाँ मेरे आसपास से लेकर और जहाँ तक जिनको हमारा तरक्की अच्छा नहीं लगा वो क्या क्या बोले, लेकिन उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, कोई बात नहीं दोस्तों, आप सबका प्यार आशीर्वाद मिला तो बात है, और आप सब इसी तरह साथ सपोर्ट देते रहना। समझे भैया, हमारे तरफ से नमस्कार, आपके पत्नी से नमस्कार, आपके मम्मी से नमस्कार, हमारे रामसूरत के शादी में समझे भैया कहूँ भी हो आ जाओ हमारे रामसूरत के शादी में। तो समझे भैया को न्योता दे रहे हैं नाना, और सभी भाई बहन जितने लोग देख रहे हैं सबको न्योता दे दो, सब भैया बच्चे के सबको न्योता है, हमारे नाती के शादी में बच्चा लोग सब मदद की हो आयो, हाँ। आ पाओ तो नमस्ते हुआ से नमस्ते भेज दियो, हाँ बधाई संदेश दे देना नाना का कहना है तो हाँ। आज नाना न्योता देने दोस्तों जो शादी का कार्ड समझ रहे हैं आप सब, आप सबके पास भेज दिए हैं एक मैसेज के जरिए, क्या करें हम सब पहुंच नहीं पाएंगे, नहीं तो आकर साथ में दे जाते, और हमारे संजय भैया को भी नाना दे दिए हैं न्योता वीडियो के माध्यम से, तो संजय भैया हमारे आएंगे जरूर, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है, और अभी भैया तो हाल में आए हुए थे, तो आशा करते हैं आप सबको नाना का बात अच्छा लगा होगा,
और मामा के जो मन में था दोस्तों वो बोल दिए हैं, इसमें कोई सिखावा समझावा बात नहीं है। नाना आप सबसे उम्मीद लगाएंगे और अच्छा लगेगा तो जरूर नाना का सपोर्ट मदद जरूर करना आप सब, और हमें जितना हो सकेगा मैं भी करूँगी ये समझ लीजिए। लेकिन थोड़ा आप सबसे बताई थी, मैं कर्जे में हो गई हूँ दोस्तों, पर खेत तो पहले से रखा हुआ था गिरवी, लेकिन नहाने वाला ये बाथरूम के पीछे कुछ कर्जा हो गई हूँ, तो इसी वजह से मैं मजबूर हूँ दोस्तों, आप सबसे क्या बताऊँ, ज़्यादा मजबूर हो गई। तो सबसे ज़्यादा तो ये जो 60,000 मैं निकाली हूँ इसका लोन, इसका ब्याज सूद भी लगता है कुछ परसेंट बैंक के द्वारा, उसको पटाना हमें बहुत ज़रूरी है। हम जो नाना लाए हैं आप चलते हैं रख देते हैं, यही सूजी सब यही सब होगा, चावल गेहूं तेल सब यही सब लाए होंगे जो। और अब मैं बोलती हूँ नाना ये सब सामान मत लाया करो हमारे घर, इतना वजन मत लाया करो, बस खाने तक राशन मिल जाता है और थोड़ा यूट्यूब के जरिए हम सब का आप सबके वजह से मिल जाता तो नाना को परेशान करने के लिए नहीं, तो बोलते हैं नाना हम आएंगे ही नहीं तब। और पहले तो नाना आते थे बराबर, मैं पहले ही बताई, अंजलि देखिए नाना से पैसा मांग रही है, रहने दो तो नाना से पैसा देखिए आप सबके सामने ले ली मत लो, और गांठ लगाएंगे भैया दीदी सब की नाना से पैसा दिलवा दी संगीता बच्चों को। अरे दोस्तों जो भी मैं एक अक्षर पढ़ी हूँ या कुछ भी हूँ मैं नाना के वजह से हूँ। नाना हमारे आप सबको बता देती हूँ झउआ बीना करते थे और टोकरी बीना करते थे और जंगल से लकड़ी लाते थे, बता दो नाना। हाँ भैया, इनके जब इनके उम्र 7-8 मतलब 10 साल 11 साल का रही तब इनके पिताजी मर गए, लेकिन हम हिम्मत नहीं छोड़न, इनके पढ़ाई लिखाई में इनके 4 बच्चे रहे हमारे बच्ची के, हम चारों का पालन पोषण पढ़ाई लिखाई, लेकिन इन्हें ज़्यादा होशियार संगीता रही, तो ये खाना पावे तो खाए के जाए ना पावे खाना तो स्कूल जाए, तो ये पढ़ ली इनके काम साहेब ठीक हो गए, बाकी ये लोग भैया लोग हमारे ना ही पढ़ पाए। और कितना तक पढ़ाए थे दादा स्कूल में, कितना लगलर गई थी, सब लोग पूछते हैं कितना पढ़ी हो। हाँ 9 तक पढ़ी है एक स्कूल पर, जितने बाद में हम कई स्कूल पर नहीं पढ़ाए। तो दोस्तों कुछ फार्म डला कर मतलब पढ़ाए थे, और क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों फॉर्म भर दिया करते थे, पढ़ने जाते नहीं थे, नॉलेज क्या उसमें कुछ जानकारी होता ही नहीं था, इम्तिहान जाते थे दे आते थे आधा वैसे कम ज़्यादा, उसमें भी अच्छा नंबर नहीं आया, जब 9 में पढ़ाई 9 तक की, उसके बाद में शादी हो गया तो कम उम्र में पहले शादी भी कर देते थे। और नाना हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, फीस कितना लगता था दादा? वैसे महीने 3 रुपया 4 रुपया चला, 3 रुपया महीने का, वो भी जुटाने में मुश्किल हो जाता था, टोकरी बनाते थे और वहाँ हमारे मम्मी पापा में कुछ विवाद चलता था, मम्मी नाना के पास रहती थी, मैं बचपन से नाना नानी के साथ रहती थी, और नाना हमारे बहुत मेहनत करके ये हम सबको इतना बड़ा पाल पोस के किए हैं, तो आज जो भी मैं हूँ नाना की वजह से हूँ, और हम सबको नाना की वजह से इतना मिला कि जैसे मैं कम ही जानकारी है कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों, फिर भी थोड़ा मैं आप सबका कमेंट अब पढ़ लेती हूँ, टाइटल डाल लेती हूँ इंग्लिश में जैसा टाइटल आप देख रहे हैं, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा है, नहीं तो मैं तो माता पिता के विवाद में ही पड़ी रहती, उधर वो सब झगड़ा करते और कहाँ पढ़ाई करा पाते, तो विवाद कुछ ऐसा था ना, पहले छोटे पे शादी कर देते थे, मम्मी हमारी सांवली थी पापा हमारे गोरे थे, इसी वजह से झगड़ा लगा रहता था। तो आज मैं पर्सनल कुछ आप सबसे बात कर ली, और दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट का क्या कहें, कमेंट में तो बहुत सारा आ जाता है, तो करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, बाय।